नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। होली और शब ए बारात को लेकर भागलपुर के रेंज डीआईजी विवेकानंद ने पुलिस अधिकारियों को हर जगह पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने दोनों त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर कहा कि होली पर पिछले वर्ष जहरीली शराब की खेप आने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए इस वर्ष विशेष रूप से सभी बॉर्डर इलाकों पर चाक चौबंद व्यवस्था करने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि हर आने जाने वाली गाड़ियों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे बाहर से जहरीली शराब की खेप जिले या शहरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सके। वहीं डीआईजी ने भागलपुर और बांका के साथ पूरे जिला नवगछिया के लोगों से शांति एवं सौहार्द के माहौल में आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने और शराब से दूर रहने की अपील की। बारात दोनों पर्व एक साथ ही मनाया जाना है और इस संबंध में जो भी जिला स्तर से तैयारियां की गई है उसकी समीक्षा की गई है। सभी महत्वपूर्ण थानाध्यक्ष, SDPO और SSP के साथ यह बैठक की गई और माइन्यूटेस्ट लेवल पर इसकी समीक्षा की गई है और जहां भी जो कार्रवाई है अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और उनसे क्या अपेक्षा की गई है इस संबंध में उन्हें निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत आवा मोरबत्तापुर गांव के बजरंगबली मंदिर के समीप शुक्रवार की देर रात सड़क दुर्घटना में हुई दो युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को परिजनों के साथ भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने बाद थाने का घेराव किया। युवक की सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पुत्र की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक के पिता संजीव कुमार ने बाद थाने में पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। दिए गए आवेदन में सौरभ और नीतीश की हत्या निर्मम तरीके से करने का आरोप पांच लोगों पर लगाया गया है, जबकि साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को सड़क किनारे रखकर एक्सीडेंट का रूप देने की बात कही गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि वे सभी प्रशासन से इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग करते हैं, जिससे जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। इधर मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही कहा कि जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा, जबकि जल्द ही इस कांड का भी खुलासा कर दिया जाएगा। मेरा बेटा यहाँ से इस सड़क के विषय में ना, मेरा बेटा हम घर ट्रैक्टर से कमा के गए थे, मैं अपने वाइफ बोला कि सौरभ को 220 रुपया दिलाओ। नीतीश कुमारपुर गए छो भोज खाए ला करी के गए छो, कल के सौरभ नीतीश और ब्रजेश गलो छो, कलिए कथी से कल के मोटरसाइकिल से कलिए अतौ ना कल के अभी जो मम्मी बारह एक बजता गए मम्मी क्या हुआ तैले बिहार हमें नहीं अपन सुतलो रही बिहार के वहाँ मुखिया फोन करके वार्ड मेम्बर का। तो हम सभी आहत हैं, आप सभी जान रहे हैं कितनी दुखद घटना है कि दो दो परिवार को निर्वंश कर दिया गया है। और मैं यही चाहूँगा प्रशासन से, उम्मीद करता हूँ कि इस पर जो नेम्ड FIR तो किए गए हैं, इसमें अनुसंधान का और जितने भी लोग हैं दोषीदार हैं तो सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसमें बिल्कुल निर्दोष लोगों को किसी भी तरह का इसमें जाल में नहीं फंसना चाहिए, उसको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। क्या मांग किए हैं आवेदन में? हम कड़ी से कड़ी सजा हो और जेल हो, आजीवन कारावास होनी चाहिए। खुशियों और रंगों के त्योहार होली को लेकर देश भर में रंगोत्सव की धूम है, जबकि बिहार समेत भागलपुर में होली त्यौहार को लेकर लोगों के बीच काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। सोमवार को भागलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न चौक चौराहों पर होलिका दहन की तैयारी के लिए सम्मत के समक्ष महिलाओं की भीड़ जुटी रही, जहां साजो श्रृंगार कर पहुंची महिलाओं और नवविवाहिताओं ने होलिका दहन के लिए तैयार किए गए सम्मत की परिक्रमा कर भक्त प्रहलाद की पूजा अर्चना कर बुराई पर अच्छाई के जीत की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने घर में तैयार किए पुआ पूरी समेत कई तरह के पकवान और भोग सामग्री अर्पित कर विधि विधान से पूजा की और परिवार समेत देश के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के परम भक्त और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र
प्रहलाद की हत्या के उद्देश्य से। जब उनकी बुआ होलिका उन्हें अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठी तो अग्नि में नहीं जलने के वरदान के बावजूद होलिका की आग में जलने से मौत हो गई, लेकिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसी को लेकर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में फाल्गुन मास में होलिका दहन के बाद होली का त्यौहार मनाया जाता है। नेशनल डेंटिस्ट डे के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाज के लोगों को दांत एवं मुख से संबंधित होने वाली बीमारी एवं उपचार के साथ उसकी देखभाल को लेकर जानकारी दी गई। वहीं नेशनल डेंटिस्ट डे को लेकर IDA भागलपुर के डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने कहा कि समाज में लोगों द्वारा आए दिन गुल, बीड़ी, सिगरेट और खैनी का अधिक इस्तेमाल करना ओरल कैंसर का मुख्य कारण बनता जा रहा है और इस तरह की गंभीर बीमारी से बचाव के लिए हम सभी को जागरूक होकर इन चीज़ों के उपयोग से दूरी बनानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के साथ कुछ शहरी क्षेत्रों में भी झोला छाप दंत चिकित्सक द्वारा इलाज के नाम पर लोगों को मुफ्त में कई तरह की बीमारी बांटी जाती है, जिसका दुष्प्रभाव समाज में कैंसर समेत कई तरह की बीमारी के रूप में सामने आता है जो घातक है। वहीं डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने बताया कि काफ़ी संख्या में लोग पायरिया से ग्रसित हो रहे हैं, जिसका परिणाम लोगों का समय से पहले दांत का गिर जाना है। जबकि एक आम समस्या यह भी है कि लोग नीम हकीम के चक्कर में पड़कर कई तरह के प्रयोग अपने दांतों पर करते हैं। उन्होंने बताया कि मसूड़े और दांत को ख़राब होने से बचाने के लिए रोज़ाना 2 बार ब्रश करने के साथ किसी भी तरह की दिक्कत होने पर हर 6 माह में दंत चिकित्सक से चेकअप कराना चाहिए, जिससे डॉक्टर की उचित सलाह मिलने से किसी गंभीर बीमारी या समस्या से बचाव हो सके। इसके अलावा संस्था के अन्य पदाधिकारी और दंत चिकित्सकों ने भी राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस को लेकर दांतों की सुरक्षा और इलाज से संबंधित बातों की जानकारी साझा की। मैं डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह आप सबों को डेंटिस्ट डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो गुल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का अधिक यूज आज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में खुलेआम हो रही है और इसके पीछे हम लोग हर वक्त लगे रहते हैं कि जागरूक करें, लोगों को अवेयरनेस करें कि आप इससे दूर रहें, इसका मुख्य कारक क्या है, यही मेन जो है आपका कैंसर होने का मुख्य कारण है। और ओरल कैंसर की बीमारी आज हमारे शहर में, हमारे देश में अजीब तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रमुख कारण जो मैंने बताया आपको, गुल है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है और साथ ही साथ लोगों में एक भ्रामक भ्रांतियां क्या फैली हुई है कि अगर हम दांत निकलवाएंगे तो हमको कैंसर हो जाएगी। ये अंग प्रदेश भागलपुर इंडियन डेंटल एसोसिएशन भागलपुर की ओर से सारे दंत चिकित्सकों को और समस्त भागलपुर वासी को नेशनल डेंटिस्ट डे की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। आज का दिन दंत चिकित्सकों का दिन है तो इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भागलपुर वासी हैं, जितने लोग हैं, सब लोग अपने मुंह के स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक बने। दांत में किसी तरह की परेशानी हो, मुंह के अंदर किसी तरह की परेशानी हो, उसको हल्के में ना ले। प्रायः यह देखा जाता है कि मुख के संबंधित जितनी बीमारियां होती उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, एकदम हल्के में लेते हैं। तो ऐसा ना हो, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप अपने नज़दीकी किसी भी दंत चिकित्सक के पास जाएं। भागलपुर के मशाकचक स्थित KK नर्सिंग होम के स्टाफ क्वार्टर में सोमवार को अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल समेत आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया और वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। अचानक लगी आग तेज हवाओं के कारण बढ़ने लगी और इलाके में धुआं फैलने लगा, जिसके बाद इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई और फायर ब्रिगेड की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक वहां रहने वाले स्टाफ का कई सामान जलकर राख हो चुका था, जबकि अस्पताल प्रबंधन और अग्निशमन टीम के प्रयास से आग को समय रहते ही बुझा दिया गया, जिससे अस्पताल या आसपास के इलाकों में बड़ी क्षति होने से बच गई। वहीं इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस आगजनी की घटना में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं होने की बात कही गई। भागलपुर के चंपानगर नरघा कोठी स्थित पुरनमल सावित्री देवी बाजोरी सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में शिशु मंदिर के भैया बहनों के द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसको लेकर विद्यालय के सचिव उपेंद्र रजक ने कहा कि होली रंगों और खुशियों का पवित्र त्यौहार है और आपसी भाईचारे के प्रतीक इस पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाकर खुशियां बांटी जाती है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि आपसी प्रेम और सद्भावना की भावना को मजबूत करने वाला होली पर्व
भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा शिशु मंदिर प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने कहा कि होली का पर्व आकर्षक और मनोहर रंगों का त्यौहार है, जो धर्म संप्रदाय जाति के बंधन की सीमा से परे जाकर लोगों को भाईचारे का संदेश देता है। इधर गीत संगीत के बीच विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने भी रंग गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह मनाया और समाज के सभी लोगों को प्रेम और शांति के माहौल में होली मनाने की अपील की। इस दौरान पूरा विद्यालय होली के रंग में रंगा दिखा, जबकि छात्र छात्रा भी काफी उत्साहित दिखे। भागलपुर चंपानगर वार्ड संख्या 8 में घरेलू उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष पार्षद निजात अंसारी ने की। बैठक में सभी लोगों ने विद्युत विभाग के मनमानी को लेकर काफी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि रिकूज लेन चंपानगर मोहल्ले में महादलित परिवार के लोग रहते हैं और ये सभी मेहनतकश मजदूर हैं, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों के घर में घुसकर बिजली काटने के साथ मीटर को उखाड़ लिया गया। वहीं बैठक में लोगों ने कहा कि इसके बाद विभाग की ओर से उल्टे इन्हीं लोगों पर विद्युत चोरी की प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। वहीं इस घटना के बाद घरेलू उपभोक्ता संघर्ष समिति के सभी सदस्य एकजुट हुए और इसकी जमकर भत्सरना की, साथ ही विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने का संकल्प लेकर कहा कि कोई भी घरेलू उपभोक्ता चोर, बेईमान या डकैत नहीं है और जिसका जितना बिल आया है वो सभी उसका भुगतान करने के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि उन लोगों द्वारा सरकार से गुहार लगाई जा रही है और सरकार का जो भी फैसला आएगा उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। बैठक में नजारत अंसारी, भवेश यादव, देवाशीष बनर्जी, अशोक राय समेत रिकूस लेन मोहल्ले के लोग मौजूद रहे। घरेलू उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आज बैठक की गई है। बैठक इस मुद्दे पर किया गया है कि पूर्व में भी बैठक में ये बात तय हुआ था कि हम बिजली विभाग को करंट बिल देंगे। बकाये की लड़ाई हमारे सरकार से है, हम सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि जब बकाया 19 जनवरी 1987 को जब लाइन यहाँ कटा था नाथनगर क्षेत्र का, उस समय हमारे बुनकरों का भी लाइन कटा और घरेलू उपभोक्ताओं का भी लाइन कटा। बिजली विभाग के कारण आज लोगों का 220 वालों का जो है बकाया है, लोगों की वजह से नहीं बकाया है। और आज बिजली विभाग अपना मनमाना रवैया करके लोगों का बिजली काट रहा है, और सबसे दुखद बात यह है कि वो बिजली काटने आता है और यहाँ की आवाम को आज डिग्रूज लाइन की बात है, नरका डिग्रूज लाइन की, महादलित टोला है, यहाँ बिजली विभाग का कर्मचारी आता है, धोखा मार के कहता है कि हम आपके मीटर को बदलेंगे, और वो मीटर बदलने के नाम पर मीटर उठाकर ले जाता है और फिर उस पर FIR करता है कि इन्होंने बिजली चोरी करके ये जला रहा था, और उस पर वो केस करता है। आज का ये बैठक जो है घरेलू उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले रखा गया है। ये डिगरूज लेन का मोहल्ला है जहाँ पर कि गरीब तबके के लोगों का बसोवास है, विशेष करके ये बुनकर से भी जुड़े हुए लोग परिवार के लोग हैं। ये हैंड टू माउथ है, लेकिन इसके बावजूद दो परिवार, तीन परिवार, चार परिवार के ऊपर जो है विद्युत विभाग के द्वारा जो है बहुत बड़ा जो है इसके साथ सर्वनाश किया गया। इसका पूरा का बिजली काट भी दिया गया, मीटर उखाड़ लिया गया, साथ साथ इसके ऊपर जबरन जो है केस भी कर दिया गया। बताइए इतना गरीब परिवार, इन बातों को लेकर के हम लोग शांति समिति के बैठक जिलाधिकारी के यहाँ जो था जिला में, वहाँ पर भी इस बात को उठाए। जिला अधिकारी महोदय ने कहा है इस पर जांच करके उसका जो है निश्चित रूप से जो है उसके बारे में, इसी बात को लेकर के लोगों को जो है अवेयर करने के लिए लोग जो है यहाँ पर जो है बहुत भयभीत है। कि भागलपुर के सबौर स्थित एक विवाह भवन में महागठबंधन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव, भागलपुर सांसद अजय मंडल, पूर्व विधायक और राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। वहीं समारोह से मंत्री के जाने के बाद कई नेताओं की मौजूदगी में भोजपुरी गाने पर बार पलाऊ ने जमकर ठुमके लगाए और देखते ही देखते सभी नेता और कार्यकर्ता झूमने लगे और माहौल पूरी तरह से होली के रंग में रंग गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।